देखो ये जो न्यू टॉपिक है कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल हैंडलिंग, ओके, एनिमल हैंडलिंग जो लैबोरेटरी एनिमल हैंडलिंग टेक्निक्स का प्री क्लिनिकल स्टडी फर्स्ट यू नो अबाउट द वर्ड इज प्री क्लिनिकल स्टडी परफॉर्म एज इन विट्रो इन वाइवो एक्स वीवो टू ऑब्टेन द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेफ्टी एंड बायोलॉजिकल इफिकेसी ऑफ अ ड्रग। मतलब इन विट्रो इन वाइवो एक्स वीवो करके हम किसी ड्रग का सेफ्टी और इफिकेसी ऑब्टेन करते हैं इन द प्री क्लिनिकल स्टडी में। इन विट्रो क्या है, द एक्सपेरिमेंट कंडक्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, इन विट्रो बोलते हैं। इन वाइवो मतलब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट इन साइड ऑफ द लिविंग बॉडी। एक्स वीवो का मतलब ऑर्गन सेल्स टिश्यू सैंपल टेकन फ्रॉम द लिविंग बॉडी आफ्टर द कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट देन रिटर्न टू द लिविंग बॉडी। उन एक्सपेरिमेंट्स हम लिविंग टिश्यू से हम निकाल लेते हैं ऑर्गन टिश्यू लिवर से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं फिर इसको हम इनपुट कर देते हैं। जैसे वेक्टर जेनेटिक स्टडी करते हैं वेक्टर्स रहते हैं पहले वेक्टर रिलोड कर लेते हैं फिर ऐसे तो इसको एक जीव बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड एनिमल ऑफ द हाउ टू परफॉर्म द डिजाइन ऑफ एनिमल स्टडी। कोई भी एनिमल स्टडी करना है तो हमको परफॉर्म कैसे एनिमल स्टडी कैसे करते हैं तो उसके लिए हम पहले एनिमल को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अगर आपको अच्छी एकदम सिंपल स्टडी भी करना है तो मिनिमम 4 ग्रुप लेना पड़ेगा। ईच ग्रुप कंटेंट 6 एनिमल होते हैं ये बायो ऐसे के लिए बायस ना हो 6 से ऊपर भी लेते हैं 6 से 10 तक लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल साइज जो सैंपल साइज है लेकिन जनरली 6 लेते हैं और कभी कभी सैंपल साइज यदि जो है ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो 10 तक भी एनिमल हम ले सकते हैं ग्रुप। ठीक है वो डिसाइड करता है जो सीएससी वाला के कमेटी इथिकल कमेटी होता है वो डिसाइड करता है एक ग्रुप में कितने दे। नॉर्मली हम 6 या 10 लिख सकते हैं। फिर कंट्रोल ग्रुप अब ग्रुप फर्स्ट में होता है कंट्रोल ग्रुप जिसमें कोई ड्रग व्हीकल दिया जाता है। सेकंड ग्रुप मॉडल कंट्रोल ग्रुप या डिसीज ग्रुप होता है जिसमें कोई ड्रग देके डिसीज इंड्यूस करते हैं। डिसीज जब इंड्यूस हो जाती है तभी हम टेस्टिंग करते हैं। थर्ड ग्रुप में हम क्या करते हैं कोई स्टैंडर्ड ड्रग जो मार्केटेड स्टैंडर्ड ड्रग है जो डिसीज को ठीक करती है उसको हम स्टैंडर्ड ड्रग देते हैं। साथ में सेकेंड ग्रुप में डिसीज इंड्यूस ड्रग देते हैं दोनों को देते हैं और थर्ड में जो न्यू ड्रग जो टेस्ट आपको करना है उस ड्रग को हम देते हैं और जो है डिसीज इंड्यूस ड्रग देंगे। डिसीज इंड्यूस ड्रग इसलिए देते हैं क्योंकि देखो कंपेयर करना है आपको तो इसमें कंट्रोल ग्रुप में तो व्हीकल देते हैं तो इससे कोई खास नहीं वो नॉर्मल रहता है लेकिन इसमें जब डिसीज इंड्यूस किया तो ये दोनों में डिसीज इंड्यूस वाला रहेगा तभी तो स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट कितना यूजफुल है और टेस्ट का कितना यूजफुल है इसको देखने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एनिमल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। ओके एनिमल हैंडलिंग तो मैथड ऑफ एनिमल हैंडलिंग। एनिमल हैंडलिंग रेफर टू हाउ द पर्सन रिस्पॉन्स एंड इंटरैक्ट विद द एनिमल विद द एनिमल इन्वायरमेंट। मतलब पर्सन कैसे उससे इंटरेक्ट और रिस्पांस कर रहा है एनिमल से एनिमल सब बिहेवियर कैसे कर रहा है एनिमल के इन्वायरमेंट में। जैसा एनिमल आता है तो एनिमल फेमिलियर होते हैं काफ़ी तो उसके साथ आप फ्रेंडशिप फेमिलियर होके ही काम करने से क्या फायदे हैं। प्रॉपर हैंडलिंग टेक्निक कैन रिड्यूस द एनिमल पेन हाँ डिस्कम्फर्ट एंड इम्प्रूव द एनिमल वेलफेयर। प्रॉपर हैंडलिंग करने से मैंने उसको फेमिलियर बनाने से उसको पेन कम हो जाता है उसको डिस्कम्फर्ट जो होता है वो भी हट जाता है स्ट्रेस हट जाता है और एनिमल के वेलफेयर के लिए होता है। आप कैसे भी डेंजर ढंग से पकड़ो तो उसको पेन होगा दर्द होगा वो सब कम करने के लिए एक टेक्निक सीखते हैं एनिमल हैंडलिंग टेक्निक। वो जो टेक्निक है उसके लिए रिक्वायर्ड ट्रेनिंग स्किल एंड बिहेवियर नॉलेज ऑफ स्पीसीज होना चाहिए कि क्या स्किल है कैसे हम उसको हैंडल करते हैं और कैसे उसको करते हैं। इनिशियली स्ट्रेंड रैट हैंडल शुड बी जेंटली ग्रैप अराउंड द शोल्डर। हम इनिशियली क्या करते हैं कि ध्यान देगा इनिशियली क्या करते हैं कि एनिमल को हम जो है अपने फिंगर से आइस से उसके मैंडुबला के पोर्शन पर ले आके और उसको पकड़ते हैं जिससे क्या होता है कि एनिमल का सर मूव नहीं करता तो बाइट नहीं कर पाता है ना का प्रिवेंट द बाइट मैंडुबला पोर्शन को प्रिवेंट द बाइट का हैंड लैंड कैन सपोर्ट बाई अदर हैंड। तो हमने नीड ऑफ एनिमल हैंडलिंग
ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्राप्रेटोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, सबक्यूटेनियस है, ब्लड कलेक्शन आर्टरियल मसल है, ब्लड कलेक्शन टेल वेनस से है, ब्लड कलेक्शन कार्डियक पंचर है, हर ब्लड कलेक्शन साथ है ईयर वेन रैबिट नेक्स्ट लाइन। अब टूल्स ऑफ द फीडिंग, मतलब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देते हैं, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 80 गेज स्टेनलेस स्टील बॉल टिप्ड होता है, इसमें बॉल में टिप होता है, फोल्डेड होता है, एंगल को हैंडल करता है बैक साइड से, ऐसा हैंडल करता है कि उसके ईयर के पास होता है, उसका माउथ ओपन हो जाए, देन हम जो है सिरिंज को ड्रग लेके हम माउथ ओपन हो गया तो इजली टंग्स के ऊपर से, टंग्स के साइडली ऊपर से किनारे साइड से हम फाइलिंग्स तक ले जाते हैं, और जब प्रेस हो जाता है तो इजली मैं छोड़ देता है, तो ड्रग पास हो जाती है। यदि बाई चांस प्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी मीटिंग लंग्स में चली गई है, तो लंग्स में प्रेस नहीं होती, अगर उस समय आपने ज़बरदस्ती प्रेस कर दिया तो ड्रग रिलीज हो जाती है और लंग्स में चली जाती है, तो एनिमल 1 से 2 मिनट में डायर हो जाता है, इसका हो जाता है, इसलिए हम चेक करते प्रेस करते साइडली प्रेस करते हो जाता तो हम प्रेस करते हैं, नहीं तो हम फिर दूसरी बार उसको निडल को निकाल के फिर इंजेक्ट करते हैं दूसरी बार नेक्स्ट। अब देखो इंटरपेरिटोनियल क्या है, इंटरपेरिटोनियल में हम एनिमल को बैक साइड से हम पकड़ते हैं, सिक्योर करते हैं, और ज़्यादातर बैक का स्किन ही पकड़ते हैं, और इसके लोअर ये इस एरिया में लोअर एब्डोमेन है, ठीक है, तो इस एरिया में इंटेस्टाइनल ये सब ऑर्गन्स कम पाया जाता है, सेफ होता है, तो इस एरिया में हम लेफ्ट या राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट इसमें लिखा होगा वाइटल ऑर्गन एब्डोमेन के जो है पेंटेड करते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट में, और मिडिल को थोड़ा सा पेंटेड करते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पेंटेड होता है तो उसमें ब्लड चला जाता है, उसमें ब्लड आ जाता है तो आई भी लूट हो जाता है, तो आई भी लूट होकर थोड़ा सा इंजेक्ट करके फिर इसको खींच के देख लेते हैं ब्लड आता है कि नहीं, यदि ब्लड नहीं आता इसका मतलब आई भी लूट जा रहा है, फिर इंजेक्ट कर देते हैं तो आई भी चला जाता है। इसका डेमो प्रीवियस स्लाइड में या चैप्टर के वीडियो में मैं डेमो भी किया हूँ, आपने उसको देखे होगी चाहे देख लेना कि कैसे इसका सब डेमोस्ट्रेशन मैं किया हूँ, वो जो प्रीवियस वीडियो में अपलोड है नेक्स्ट। अब सबक्यूटेनियस में क्या करते हैं कि अप्रोप्रिएट मिडिल यूज करते हैं पेंटेड स्किन ओवर द शोल्डर प्लान और बॉडी वाल, मतलब उसका ओवर स्किन ऊपर करके उस स्किन में एंगल 30-45 एंगल पे हम इंजेक्ट करते हैं, तो वो सबक्यूटेनियस होता है, और उसमें एक बेंच बन जाता है टेंडन, एक पाउच जैसे एक ड्रग इकट्ठा हो जाती है, और उसको धीरे धीरे हम उसको सेक करते हैं तो धीरे धीरे वो ड्रग फैल जाती है, लेकिन टेंडन रहता है नेक्स्ट लाइन। अब देखो एक कलेक्शन ऑफ ब्लड है अथवा आर्बिटर प्लक्स है, या उसको आर्बिटर साइनस बोलते हैं, कैसे करते हैं ये देखो, इलेक्ट्रोआर्बिटर साइनस इसको बोलते हैं, ये ब्लू कलर का। अब क्या करते हैं जो डायलिथाइलिथर में इसको पहले एनास्थीसिया जनास्थीसिया देते हैं, लेकिन जनरली कम यूज होता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड लो डोज दे देते हैं तो ये एनास्थाई रहता है इनमें, फिर इसको लग के रेट्रो पिकिंग होता है कैपिलरी ट्यूब होती है उसको सर्कुलर घुमाते हुए आपके साइड से इस साइड से इसको रेप्चर करते हैं, तो जिम ही रेप्चर करेंगे ब्लड सडनली कैपिलरी ट्यूब से आता है और ये 1 से 2 ml तक ब्लड इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाता है इसे नेक्स्ट टाइम। अब देखो टेल से टेल जो बर्थ फ्रैक्शन ऑफ टेल रैट टेल से, इसमें क्या होता है रैट टेल के सैम्पलिंग में स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड निकालना तो रैट टेल से निकालते हैं, इसमें लेस देन जो 2 ml होता है, अब माउस स्टैंड एक्सपोजर द टेल, एक डिवाइस होती है जिसमें डिवाइस में एनिमल को लग देते हैं और उसका टेल बाहर साइड निकल जाता है ओपन हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं वाटर में 45 डिग्री वाटर गर्म करके और उसको टेल को डुबो देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस पर टेम्परेचर की वजह से ब्लड वेसल लेटरल वेसल दिखने लगती है और डायलेट हो जाती है, इसके बाद हम वाइप करके 70% के वॉटरफॉल से उसको वाइप कर देते हैं, वाइप करने से और उसके बाद उसे क्लीन कर दिया, फिर इंसर्ट करते हैं 23 गेजेस का लेटरल वेन इंसर्ट करते हैं 5 mm डिस्टेंस तक करते हैं, और ये पोजिशन होता है 2-3 cm अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द टेल 20 सेंटीमीटर एंगल से हम करते हैं ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन। ये देखो ये जो है आरटीआई सेंट्रल का, इससे नहीं करते, लेटरल साइड में 2 वेन है, इस वेन में ये दिख रहा है 2 वेन लेटरल साइड का, इसको आरटीआई लेटरल वेन बोलते हैं, इसको रिस्टियन का मतलब कंट्रोल करना है एनिमल को, तो एनिमल को ये डिवाइस इसमें लगते हैं टेल बाहर आती है, फिर जब टेल बाहर आती है
तो हम क्या करते हैं कि इसको वाटर से हम गर्म वाटर से कर देते हैं, डाइल्यूट हो जाता है, वाष्प पर क्लीन कर लेते हैं, फिर इसको हम बटरफ्लाई इंजेक्ट करके और उससे हम ब्लड निकाल लेते हैं। अब कलेक्शन ऑफ ब्लड और कार्डियक फंक्शन, ये कलेक्शन कैसे, एनेस्थीसिया देते हैं, इंट्रापेटुनियल जनरल एनेस्थीसिया, कीटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, डिसइंफेक्टेंट, थोरैक्स में 75% अल्कोहल यूज करके कार्टन वाल से उसको क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, कार्टन वाल का अल्कोहल लगता है उसको, थोरैक्सिस जो होता है उसको वाइप कर देते हैं जिससे स्टेलाइज रहता है। फिर हम क्या करते हैं 24 gauges एंड 1 inch नीडल को हम थोरैक्सिस वाल से 30-40 का एंगल में इंजेक्ट करते हैं डायफ्राम के साइड, और इंसर्ट द नीडल साइड की लेफ्ट ऑफ द अंडर स्टर्नम, लेफ्ट स्टर्नम को इंसर्ट करते हैं, इमोबिलाइज द नीडल, हम नीडल को हमको जो इंजेक्ट करते हैं नीडल को उसको मूविंग इमोबिलाइज रखना है, हिलाना नहीं, हिल गया तो ब्लड नहीं आएगा, और उसको हम इस बार करके हम सफिशियंट अमाउंट में ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें माइस में 1 ml और रैट में 5-8 ml ब्लड मैक्सिमम ब्लड कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखो एक करेक्ट पोजीशन है, एनेस्थीसिया करके इसको लेटा देते हैं करेक्ट पोजीशन में, फिर इसके डायफ्राम वाइप करके डायफ्राम के स्टोन से इंजेक्ट करते हैं एंगल पर 30-40 जो एंगल बताया था, इसके बाद जब इंजेक्ट हो जाता है ये सब कर लेते हैं तो ब्लड 5-8 ml आ जाता है। लेकिन कार्डियक फंक्शन होता है अब ये जब हमको एनिमल को दोबारा यूज न करना हो, अब किल करके हिस्टोपैथोलॉज के आगे निकालना है तो कार्डियक फंक्शन तो मैक्सिमम ब्लड निकाल देते हैं, और वो हम किसके ब्लड निकालना करते क्या है, ब्लड लेवल से बायोकेम का पैरामीटर का इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसमें क्या चेंजेज आया है, कंट्रोल ग्रुप का ड्रग देने डिसीज देने से ट्रीट करने से क्या चेंजेज आया है, उस चेंजेस से हम बायो से करके रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि हमारी न्यू ड्रग कितनी बेटर है। नेक्स्ट स्लाइड, अब लास्ट है मादर ईयर से हम रैबिट से कैसे हम निकालते हैं ब्लड, तो उसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल इसका क्रीम होता है, क्रीम को हम 30 मिनट प्रायर टू एक्सपेरिमेंट ब्लड कलेक्शन हम उसको क्रीम लगा देते हैं, फिर अप्लाई कर देते हैं, फिर रैबिट लिस्टेंट स्टेज में उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे उसको डॉर्सल सरफेस पर ईयर को सेव करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लेवर से, क्लीन करके 3 times स्क्रब करते हैं, स्क्रब आप जानते ही होंगे उस 20% अल्कोहल से, और उसके बीटाडीन भी लगा सकते हैं, इसका पूरा क्लियर हो जाता है। फिर ब्लड का कलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं ईयर से, जिस पर 29-23 gauge का नीडल बटरफ्लाई नीडल होता है, बटरफ्लाई जैसे सेफ्टी होती है ऐसे होता है, इसके साइड में ऐसे होता है नीडल होती है, आगे आप देखोगे अवे फ्रॉम द बेस आर 0.5-1 ml था, इसका जो है बेस ईयर से निकालते हैं ब्लड कलेक्ट करते हैं, ये 8 times तक सैम्पलिंग इसे कर सकते हैं 24 hours में, ये रैबिट से करता है, ये जो है ज़्यादा से ब्लड ज़्यादा टाइम में रैट से नहीं निकाल सकते माइस से, लेकिन इसे निकाल सकते हैं जिसे हमारे यूजफुल है। ये देखो ये मार्जिनल है, ठीक है, ब्लड कलेक्शन, ये मार्जिनल वेन है साइड में, ये मार्जिनल वेन से हम इंजेक्ट करते हैं बटरफ्लाई नीडल है जो हम मतलब इंजेक्ट करते हैं उसमें, तो वो अपने आप से करके ब्लड रिलीज होने लगता है और ब्लड कलेक्ट कर लेता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम मार्जिनल वेन ऑफ द रैबिट। नेक्स्ट, ये इसके रेफरेंसेज हैं बहुत सारे, इसके बाद नेक्स्ट थैंक यू, दिस इज द टेक्निक फॉर लैब एनिमल हैंडलिंग टेक्निक।